मूवी की शुरुआत होती है जहां पर कि हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं। उसके माता पिता की मौत हो चुकी है। वो काफी उदास रहने लगता था, इसीलिए वो अब अपनी दादी के पास आ जाता है। और उसका नाम था सैम, और वो काफी ज्यादा उदास रहा करता था क्योंकि वो अभी भी अपनी माता पिता को बहुत याद किया करता था। लेकिन उसकी दादी माँ बहुत ही अच्छी औरत थी जो कि उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा करती थी। लेकिन वो अभी अपनी दादी के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, इसीलिए उसकी दादी उससे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक पेट लेकर आती हूँ, तुम उसके साथ दोस्ती करना और उसी के साथ खेलना और उसके साथ में अपने दिल की सारी बातें शेयर किया करना। और उसके कुछ दिन बाद उसकी दादी उसके लिए एक चूहा लेकर आती हैं। और अब सैम उस चूहे को पाकर काफ़ी खुश था और अपना ज़्यादातर समय वो चूहे के साथ ही बिताया करता था। अब एक दिन सैम अपनी दादी से कहता है कि दादी, चूहे कितने मज़े की ज़िंदगी काटते हैं, ये जम्स लगाते हैं और अपने केस में ही खेलते रहते हैं। और दोस्तों, अब एक दिन सैम ऐसे ही अपने चूहे के साथ खेल रहा होता है, लेकिन बाहर से एक बिच उसको देख रही होती है और उस बिच की नज़रें काफ़ी अजीब लग रही होती हैं। और अब एक दिन अचानक से सैम की दादी की तबीयत ख़राब हो जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो ठीक हो जाती है। अब सैम की दादी सैम से कहती है कि आओ बेटा, थोड़ा बाहर का चक्कर लगा के आते हैं। अब सैम और उसकी दादी एक शॉपिंग मॉल में जाती हैं जहाँ पर कि सैम थोड़ी देर के लिए अपनी दादी से अलग हो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद सैम के पास एक औरत आती है। दरअसल ये एक बिच थी, और ये वही बिच थी जो कि सैम के घर की तरफ देख रही थी, और वो सैम को चॉकलेट खाने के लिए देती है। वो सैम से कहती है कि प्यारे बच्चे इधर आओ। दरअसल वो सैम को अपने कंट्रोल में कर रही थी, यानी कि वो उसे हिप्नोटाइज कर रही थी। और उस बिच के पास एक अजीब सा स्नैक भी था। लेकिन तभी अचानक सैम की दादी फ्री हो जाती हैं और वो सैम को आवाज़ देकर अपने पास बुलाती हैं। तभी सैम अपनी दादी को देखता है और उनकी ओर भागने लगता है। तभी अचानक से वो बिच भी वहाँ से गायब हो जाती है। और अब सैम और उसकी दादी घर पे आते हैं, और घर पे आकर ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तो सैम अपनी दादी से कहता है कि दादी, उस स्टोर में एक औरत मिली थी मुझको, जो कि मुझसे काफ़ी अजीब तरीके से बातें कर रही थी। वो मुझे एक चॉकलेट दे रही थी ज़बरदस्ती खाने के लिए, और वो मुझसे कह रही थी कि तुम मेरी बात सुनो, और उसके पास एक अजीब सा स्नेक भी था। तभी उसकी दादी उससे कहती है कि मेरे बच्चे, वो एक चुड़ैल थी, यानी कि वो एक बिच थी, इसीलिए हम तुमसे हमेशा मना करते हैं कि किसी का भी दिया हुआ कभी खाना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसमें किसी ने कुछ मिलाया हो। और सबसे बड़ी बात, अगर वो बिस थी तो वो तुम्हें क्यों कुछ चीज़ खिला रही थी, वो ज़रूर तुम्हें ट्रैप कर रही होगी। बेटा, मैं तुम्हें अपने बचपन की एक कहानी सुनाती हूँ। जब मैं 10 साल की थी तो मेरी एक फ्रेंड भी थी। हम दोनों कहीं पर जा रहे थे, तभी मैंने देखा कि मेरी फ्रेंड अचानक से गायब हो गई। जब मैंने उसको ढूंढा तो मैंने देखा कि एक औरत उसको चॉकलेट खिला रही थी। वो औरत कोई और नहीं बल्कि एक बिच थी, और बल्कि हम ये कह सकते हैं कि वो बिच की हेड थी। और उसके बाद मैं उसे अपने साथ लेकर चली गई। जब मैंने अगले दिन देखा, जब मैं अपनी माँ से अपने बाल बनवा रही थी तो वो मेरे सामने ही बैठी थी, लेकिन अचानक से वो एक चिकन में बदल गई। इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर उस चुड़ैल ने ज़रूर कोई मैजिक किया था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो उसने चॉकलेट खाई थी उसके अंदर कुछ मिला हो। और इसी वजह से मैं बचपन से ही इन चुड़ैलों से दूर रहती हूँ, और आगे से तुम भी इन बिचों से दूर रहना। अगर तुम्हारे पास कोई आए तो सबसे पहले मुझे बताना। अब सैम की दादी कहती हैं कि बेटा, हम यहाँ से अब जल्दी निकलेंगे, क्योंकि हमारा घर अब उन बिचेस के नज़र में आ गया है, और वो गरीब लोगों के ऊपर तो सबसे पहले अटैक करती हैं। और अब ये लोग यहाँ से निकलते हैं, और इनके घर से थोड़ी ही दूरी पर एक 5-स्टार होटल था जहाँ का कि हेड सेफ इसकी दादी का रिश्तेदार था, और उसकी बोलचाल यहाँ के मैनेजर के साथ काफ़ी अच्छी थी। तो वो उनसे कहकर अपने लिए एक छोटा सा रूम ले लेती है। इसका मतलब ये है कि होटल का मैनेजर काफ़ी अच्छा इंसान था। अब सैम और उसकी दादी माँ इस होटल में शिफ्ट हो जाते हैं, और अब वो जहाँ चाहें वो इस होटल में वहाँ जा सकते हैं। लेकिन इस होटल में एक अजीब बात होती है कि देखते ही देखते काफ़ी ज़्यादा बिचेस इस होटल में आना शुरू कर देती हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी कोई मीटिंग होती है, और उसके बाद इन्हें यहाँ पर एक आलीशान सा डिनर भी करना था। और ये सभी विचेस काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल थीं, और ये यहाँ पर आकर यहाँ के मैनेजर से मिलती हैं।
वो मैनेजर से कहती हैं कि आप तो जानते हैं ना कि हम कौन हैं, हमें एक बड़ा सा हॉल दिया जाए मीटिंग के लिए। और इन सभी का यहाँ पर ये प्लान होता है कि ये लोग यहाँ पर सारे बच्चों को किडनैप करेंगे या फिर उनको एक ऐसी चॉकलेट देंगे जिसमें कि इनका जादू मिला हो, जिससे खाते ही सारे बच्चे जानवरों में बदल जाएंगे। क्योंकि आजकल के जितने भी बच्चे हैं वो सभी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हैं, ये डिज़र्व ही नहीं करते इस दुनिया में रहने के लिए। और हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम एक एक बच्चे को पकड़ें, इसीलिए हम सभी बच्चों को टारगेट करेंगे। और अब रात हो जाती है, सैम अपनी दादी से बातें कर रहा होता है और बाहर बहुत ज़ोर से बारिश हो रही होती है। अब सैम अपनी दादी से पूछता है कि दादी माँ, बिचेस कैसी होती हैं? तो दादी उससे कहती हैं कि बेटा, उनकी फिंगर्स यानी कि उंगलियां काफ़ी लंबी होती हैं और उनके नाखून काफ़ी गंदे होते हैं, इसीलिए तो मेरे बच्चे वो ग्लव्स पहनती हैं, उनके तो बाल भी अच्छे नहीं होते, इसीलिए वो विक्स लगाती हैं या फिर बड़े बड़े हेड्स पहनती हैं। और ये बातें सुनकर सैम काफ़ी डर रहा था और बाहर बहुत तेज़ तूफान भी आया हुआ था। और अब सुबह होती है तो सैम काफ़ी बोर हो रहा होता है, इसीलिए वो अपने पेट माउस के साथ घूमता घूमता एक हॉल में चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारी बिचेस का आना शुरू हो जाता है। ये सारी बिचेस यहाँ पर मीटिंग करने के लिए आई थीं। अब सैम इन सभी को देख लेता है और डर जाता है और इसके बाद वो छुप जाता है। और अब सबसे बड़ी बिच को सैम की खुशबू आने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखता। और अब बिचेस की मीटिंग शुरू होती है। अब ये सारे बिचेस अपनी अपनी सीट पर बैठ जाती हैं और इनके सामने इनकी सबसे बड़ी बिच खड़ी होती है। और अब वो एक पोशन निकालती है और इन सभी को दिखाती है और इन सबसे कहती है कि अगर इस पोशन को किसी चॉकलेट या कैंडी में मिलाकर किसी बच्चे को खिला देंगे तो वो जानवर में बदल जाएगा। और वो इस पोशन के बारे में इन सभी को बहुत सारी चीज़ें बताती है, लेकिन तभी उसे सैम की खुशबू दोबारा से आने लगती है और वो स्टेज के पास जाती है और उसे सूंघने लगती है। और इस तरह से उसे देखने में उसकी नाक और उसका चेहरा बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा होता है। आखिर वो सबसे बड़ी बिच जो थी, और अब वो स्टेज को ही उठाकर फेंक देती है, लेकिन स्टेज के नीचे कोई नहीं होता। लेकिन उसके पीछे ही एक वेंटिलेशन होता है जहाँ पर उसे सैम दिखाई दे रहा होता है। अब वो उसको पकड़ने के लिए जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक हेल्दी बच्चा आ जाता है जो कि वहाँ के किसी गेस्ट का था। और अब सारी बिचेस उसके पास जाती हैं और उसे पकड़ लेती हैं। और इस बच्चे को खाने पीने का बहुत शौक भी था, इसीलिए ये बिचेस इसे अपने कब्जे में कर लेती हैं और इसे वो चॉकलेट खिलाती हैं। और वो बच्चा उस चॉकलेट को जल्दी से खा लेता है, लेकिन तभी अचानक से वो एक छोटे चूहे में बदल जाता है। लेकिन उस चूहे को देख कर वो सारी बिचेस खुद ही डरने लगती हैं और उस चूहे को अपनी हील के नीचे दबाकर मारना चाहती हैं। लेकिन तभी वेंटिलेशन विंडो से सैम का चूहा बाहर निकलता है और उस मोटे बच्चे के चूहे को पकड़कर वेंटिलेशन के अंदर ले जाता है। लेकिन सैम के चूहे की वजह से ये सारी बिचेस सैम को पकड़ लेती हैं और उसे बाहर खींच लेती हैं। और फिर उसके कान में वो उस पोशन का एक ड्रॉप डालती हैं, जिससे सैम भी थोड़ी ही देर में एक चूहा बन जाता है। और अब सैम वाला चूहा और उस हेल्दी बच्चे वाला चूहा जल्दी से दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और उनके साथ में सैम का पेट चूहा भी होता है। और अब हमें पता चलता है कि वो तो एक बच्ची थी जिसे कि इन चुड़ैलों ने पोषण खिलाकर एक चूहा बना दिया है। अब इन तीनों के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और ये तय करते हैं कि हम इन बिचेस से अपना बदला ज़रूर लेंगे। और अब सैम सीधा अपनी दादी के पास जाता है और उन्हें अपने चूहे की आवाज़ में बताता है कि दादी, उन बिचेस ने हमको चूहा बना दिया। तो सैम की दादी कहती है कि ऐसी की तैसी इन चुड़ैलों की, इन्होंने मेरे बच्चे को चूहा बना दिया, मैं इनसे ज़रूर बदला लूँगी। और अब सैम अपनी दादी से कहता है कि दादी, मज़े की बात तो ये है कि जिस रूम में वो बिचेस रहती हैं उनकी बालकनी हमारी बालकनी से नज़र आती है। तभी दादी को आइडिया आता है, वो सैम से कहती हैं कि मैं एक सॉक्स बन रही हूँ, मैं उस सॉक्स के अंदर तुम्हें बैठाऊँगी और नीचे भेज दूँगी और तुम उसका पोषण चुराना और ऊपर ले आना और उसके बाद मैं तुम लोगों को ठीक कर दूँगी। और अब वो ऐसा ही करती हैं। और अब दादी माँ अपने पोते यानी कि सैम को अपने सॉक्स में बिठाती हैं और धीरे धीरे करके नीचे छोड़ने लगती हैं।
सैम को काफ़ी डर लग रहा होता है उस विच से, लेकिन यहाँ पर इस समय पर एक भी विच नहीं थी। और सैम जल्दी से उस पोशन को उठाता है और उस सॉक्स में डालकर अंदर बैठ जाता है। और अब उसकी दादी सैम को ऊपर खींच ही रही होती है कि तभी विच उसे देख लेती है और वो उस सॉक्स को ज़ोर से पकड़ लेती है। तभी सैम की दादी बोलती है कि आप इसे छोड़ दीजिए, दरअसल मैं एक सॉक्स बन रही थी और वो नीचे गिर गया, इसीलिए मैं इसको ऊपर खींच रही हूँ। वो विच कहती है ऐसे कैसे, और अब वो सॉक्स को चेक करने ही वाली होती है। अगर वो उसको देख लेती तो वो सैम के चूहे को मार डालती। लेकिन तभी वहाँ पर उस होटल का मैनेजर आ जाता है, इसीलिए वो उस सॉक्स को छोड़ देती है। और अब दादी माँ के पास वो पोशन आ गया था, वो उसको एक प्लेट में डालती है और इन तीनों चूहों को बारी बारी से उसमें डिप करती है। लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये पोशन इंसान को जानवर में बदल सकता था, ना कि जानवर को इंसान के शक्ल में। तो सैम कहता है कि दादी माँ अब हम तो ठीक हो ही नहीं सकते, तो क्यों ना हम इस पोशन को उन चुड़ैलों के सूप में डाल दें जो कि आज ये सब लोग पीने वाली हैं। और वैसे भी आप तो किचन तक जा ही सकती है ना। तभी उनकी दादी कहती हैं कि वाह बच्चों, क्या आइडिया दिया है। फिर वो उन तीनों चूहों को लेकर और उस पोशन को लेकर किचन में जाती हैं, जहाँ पर कि उन चुड़ैलों का सूप तैयार हो रहा होता है, और वो पोशन उसमें डाल देती हैं। और ये करते हुए होटल का मैनेजर दादी माँ को देख लेता है। वो उनसे कहता है कि ये पेट चूहे आपके हैं ना, अगर ये आपके पेट हैं तो आपको इन्हें अपने पास रखना चाहिए, ना कि किचन में लेकर आना चाहिए, आपने ये हरकत बहुत गंदी की है। तो दादी कहती हैं कि ये चूहे मेरे नहीं हैं, तुम चाहो तो अच्छी तरह से मेरे रूम को चेक कर सकते हो। दरअसल हुआ क्या था दोस्तों, दादी माँ ने उन तीनों चूहों को अपने बैग में एक कोने में छुपा के रखा था। और जब मैनेजर उनके रूम को और उनकी चीज़ों को चेक करता है तो उनको वहाँ पर एक भी चूहा नहीं मिलता। तो उस मैनेजर को काफ़ी शर्मिंदगी होती है, तो उससे दादी कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर केस करूँगी, तुमने ऐसे कैसे किसी का रूम चेक कर लिया, और देखना पुलिस तुम्हारे होटल को बंद कर देगी। और अब वो मैनेजर डर जाता है, वो उनसे कहता है कि आप हौसला रखें, आप मुझे माफ़ कर दीजिए और आज का डिनर मेरी तरफ से फ्री कीजिए। और वो उनसे माफ़ी मांगता है। और इधर दादी माँ अपने प्लान में कामयाब हो जाती हैं और इनको फ्री में खाने को भी मिलता है। और तभी उन बिचेस का खाने का टाइम हो गया था और वो सारी बिचेस आके वहाँ पर बैठ जाती हैं। और दोस्तों वो सूप उन बिचेस ने अपने लिए स्पेशल बनवाया था, और इसमें अच्छी बात होने वाली ये थी कि उस सूप को पीकर ये बिच खुद ही चूहा बन जाएंगी। और अब जैसे ही वो बिचेस सूप पीती हैं तो देखते ही देखते वो सारी बिचेस चूहे में बदल जाती हैं, और उन्हें देखकर दादी बहुत खुश हो रही होती है। और दोस्तों आपको भी देखकर काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। और अब वहाँ के सारे वर्कर और दादी खुद भी उन चूहों को मारने लगती हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बुरी बात ये हुई थी कि उस ग्रैंड बिच ने, यानी कि उन बिचेस की हेड ने, उस सूप को टेस्ट तक नहीं किया था, और इसकी वजह से वो चूहे में नहीं बदलती। तो वो तीनों चूहे एक ट्रैप लगाते हैं और बड़ी ही चालाकी के साथ उसकी फिंगर्स को उस ट्रैप में दे देते हैं, जिससे वो चुड़ैल चिल्लाने लगती है और ये चूहे जल्दी से उस पोशन को चुड़ैल के मुंह में डाल देते हैं। और अब वो भी एक चूहा बन चुकी थी, लेकिन बाकी चूहों से थोड़ा बड़ा। और दादी माँ उस चूहे को एक गिलास में बंद कर देती है और उसके पास अपनी बिल्ली को छोड़ देती है। और दोस्तों क्या पता वो बिल्ली अटैक करके उस चूहे को मार दे या खा जाए। और अब दादी माँ बहुत खुश होती हैं और उन तीनों चूहों को अपने बैग में डाल के उस होटल से बाहर आ जाती हैं, क्योंकि अब उन्हें उन बिचेस का कोई खतरा नहीं था और वो अब अपने घर में भी रह सकती थीं। और अब बाहर हम देखते हैं कि उस हेल्दी बच्चे के पेरेंट्स काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ गया। लेकिन उसकी माँ बहुत बुरी थी, वो अपने बच्चे से बिल्कुल भी प्यार नहीं किया करती थी। और अब यहाँ पर जब उसका बेटा चूहे की आवाज़ में उससे बोल रहा था तो वो उसे देखकर डर जाती है और उससे कहती है कि नहीं नहीं, इसे तुम ही रखो, मैं नहीं रखूँगी अपने पास। और वो हेल्दी चूहा भी कहता है कि शुक्र है मेरी जान छूटी, अब मुझे मेरे दोस्त भी मिल गए। और दादी माँ इन तीनों चूहों को लेकर अपने घर चली जाती है, इनके साथ खूब प्यार से रहती है और उनको खाने के लिए भी देती है। और दोस्तों मज़े की बात तो ये थी कि वो तीनों चूहे कभी भी इंसान नहीं बनना चाहते थे, वो एंजॉय करते थे, खाते पीते थे, नाचते थे और भागते दौड़ते थे। और उन्हें देखकर उनकी दादी भी बहुत खुश होती थी और उनके साथ खेला करती थी।
और इसी के साथ इस मूवी की फनी और हैप्पी एंडिंग होती है। तो दोस्तों आप हमें बताएंगे नहीं कि आपको ये मूवी कैसी लगी, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके भी जाइए। नमस्कार।